नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बहुत ही सीरियस मैटर लेके आई हूँ और अपनी थिंकिंग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सब समझ सकते हैं कि मेरी थिंकिंग क्या है, क्योंकि देखिए आपकी थिंकिंग हो सकता है मुझसे अलग हो। और प्लीज़ अपनी थिंकिंग मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा, आप कमेंट में पूछ के या बता के किस तरीके। फ्रेंड्स, जो भी मैटर मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप सब जानते ही होंगे क्योंकि हैं जो टीवी एक्टर हैं, आपने आप सब देखते ही होंगे कि एक बहुत ही पॉपुलर शो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि अब भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और इसकी शुरुआत नैतिक और अक्षरा की कहानी से हुई और इसमें करण मेहरा ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था, जिनके साथ लीड रोल में रीना खान भी थी, जो कि अब वो लोग शो छोड़ चुके हैं और शो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जहाँ नायरा शिवांगी जोशी इसमें काम कर रही हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो मैं करण मेहरा के मैरिड लाइफ के बारे में बात करने वाली हूँ। और हाल ही में उनकी वाइफ निशा ने उनके ऊपर मारपीट का इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनको मारा पीटा, और बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रही है। सोचिए तो मैं तो उन लोग को बहुत अच्छा कपल समझती थी और मुझे ये बेहद पसंद थे साथ में, लेकिन इस तरीके का भी कुछ हो सकता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। और काफ़ी अच्छे कपल थे, मेरे फेवरेट कपल थे, लेकिन अगर इन लोग के बीच ऐसा हो सकता है तब तो किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब बोल रहे हैं कि करण गलत है, कोई कह रहा है कि निशा गलत है, तो देखो हम नहीं जानते हैं कि कौन गलत है, निशा गलत है या करण गलत है, क्योंकि हम लोग मेन उनके साथ क्या हुआ है वो कोई भी नहीं जानता। जैसा कि निशा जी ने कहा कि उन्होंने करण ने उनको पीटा, उनका सर जो है दीवार से लड़ा दिया जिससे उनका सर फूट गया। बट मैं अपनी थिंकिंग आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि करण ने उनके ऊपर हाथ उठाया होगा। मैं ये नहीं कह रही कि निशा गलत है या फिर मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है निशा जी। और लेकिन आप ये सोचो कि वो बता रही हैं जिस तरीके से कि उनके ऊपर उन्होंने पहले भी हाथ उठाया है, तो आप खुद सोचो कि ऐसे कई टीवी इंडस्ट्री के कपल हैं कि जिन्होंने अपना डिवोर्स लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे जहाँ तक निशा जी काफ़ी तेज़ दिखती हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट दिखती हैं, काफ़ी तेज़ दिखती हैं, ऐसा वो नहीं कि कोई भी चीज़ वो सहन कर सकें, या फिर अगर मान लो करण पहली बार भी उनके बाहर हाथ उठाए होंगे तो बर्दाश्त कर पाती, वो उसी समय उनको डिवोर्स देती। उन्होंने उनके ऊपर 4 बार हाथ उठाया, लेकिन फिर उन्होंने क्यों बोला, उसी समय उनको बोलना चाहिए था जब उन्होंने 4 बार हाथ उठाया, तो उन्होंने क्यों छुपाया। मेरे कहने का मतलब है, जब करण मेहरा ने उनके ऊपर पहली बार हाथ उठाया था तो उन्होंने क्यों छिपाया, मैं ये कहना चाहती हूँ। उनको नहीं छिपाना चाहिए था, अगर उन्होंने हाथ उठाया था तो उसी समय हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दोनों पक्षों का, तो हमने मैं ये नहीं कह रही कि करण भी सही है, मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि कोई भी लड़की आज के समय में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक बार भी अगर पति हाथ उठाता है तब भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी, उसी समय वो अपना स्टैंड लेगी। और उन्होंने अपने बच्चे के लिए और 4 बार वो चुप रही, तो आप ये सोचिए ऐसे कौन सी लड़की है कि बर्दाश्त करेगी, एक बार हाथ उठाने पर भी वो स्टैंड लेगी, और 4 बार तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। उन दोनों का पक्ष हम लोग नहीं जानते, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको पुलिस केस ना करके आपस में सुलझाना चाहिए था, और हो सकता है मैटर सॉल्व हो जाता। और क्योंकि दोनों पक्षों का कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ क्या हुआ है, तो इसमें फैसला लेना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। तो इसलिए मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ आप सभी से, और आप सबकी इस बारे में क्या राय है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आप सबको जवाब दूँगी, पक्का जवाब दूँगी। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब बाकी मैं देश की औरतों से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके का अत्याचार उनके साथ हो रहा है तो प्लीज़ बिल्कुल भी सहन न करें, अगर एक बार भी हाथ उठाया जा रहा है तो उसी समय अपना स्टैंड लें, बस ये मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।